नमस्कार साथियों, कपास का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में कपास की वैरायटी का चुनाव करना बड़ी दुविधा का विषय है। ऐसे में कई सवाल हमारे मन में उठते हैं, जैसे कि कौन सी वैरायटी हमारी मिट्टी के लिए उपयुक्त तो होगी, किस वैरायटी का उत्पादन ज्यादा होगा एवं लागत कम होगी, कौन सी वैरायटी लगाने से उसमें कीटों का प्रकोप कम होगा। ऐसे सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नंबर एक पर है राशि 659, जो कि हाल ही में काफी डिमांड में रहा है। इस किस्म की अवधि 155 से 160 दिन की होती है और उसके बाद रबी में आप गेहूं की फसल, चना या मक्का भी लगा सकते हैं। राशि 659 मोटे डेंडू वाली एवं उच्च उत्पादन देने वाली किस्म है। इस किस्म का अंकुरण भी काफी अच्छा देखा गया है। यह मध्यम से भारी मिट्टी में बहुत अच्छी पैदावार देती है। किसान इस किस्म के माध्यम से 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले रहे हैं। नंबर दो पर है कावेरी सीड्स का मनी मेकर। यह भी मध्यम वेरायटी है जो कि मीडियम से हेवी सॉइल के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ यह कीट प्रतिरोधी वेरायटी है। इसके बोल बहुत अच्छी तरीके से फट कर बेहतर उत्पादन देते हैं। मनी मेकर की बुआई का उपयुक्त समय मई से जून का महीना रहता है। इसका उत्पादन भी 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देखा गया है। अगली वेरायटी है माहिको की धनदेव। यह लगभग 170 दिन की वेरायटी है जिसकी बुआई मई से जून में हो जाना चाहिए। यह सभी प्रकार की मिट्टी में बेहतर उत्पादन देती है। माहिको की धनदेव वेरायटी चूसने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी है। यह वर्षा आधारित एवं सिंचित दोनों खेती के लिए बेहतर है। यह एक उच्च उपज देने वाली वेरायटी है। इसके टिंडों का आकार बड़ा होता है एवं चुगाई में आसानी रहती है। साथ ही साथ इसकी फाइबर की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है। नंबर चार पर है तुलसी सीड्स की कबड्डी, जो कि अपने आप में एक ब्रांड है। कबड्डी वर्षा आधारित एवं सिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए काफी उपयुक्त है। की खेती आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में आसानी से कर सकते हैं। इस वेरायटी की अवधि लगभग 160 से 170 दिन के आसपास रहती है। इसकी आंतरिक दूरी कम होती है एवं पौधे मजबूत होते हैं। इसी के साथ साथ यह रस चूसक कीटों के प्रति भी सही सूक्ष्म वेरायटी है। इसका फाइबर काफी उच्च गुणवत्ता युक्त होता है। नंबर पाँच पर है कावेरी सीड्स की एटीएम वेरायटी। इस वेरायटी की अवधि 150 से 170 दिन के आसपास रहती है। यह अर्ध सिंचित क्षेत्रों के लिए काफी बेहतर किस्म है। साथ ही साथ यह निरंतर फूल एवं फल देने वाली वेरायटी है। इसके गुलर का आकार बड़ा होता है। कीट प्रतिरोधी वेरायटी होने के साथ साथ इसका पौधा काफी मजबूत होता है एवं यह हर प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त वेरायटी है। तो दोस्तों, ये थी कपास की टॉप 5 बेस्ट वेरायटियाँ जिन्हें आप इस वर्ष अपनी खेती में उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी वेरायटी खरीदते समय अपनी जमीन एवं अपने एरिया की जलवायु का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहाँ पर इन वेरायटियों के रेट से संबंधित कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है, क्योंकि इन वेरायटियों की कीमत हर क्षेत्र में अलग अलग रहती है। आप अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करके रेट का पता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।